हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है तभी से ये फिल्म विवादों में घिरी हुई है। कियारा और अक्षय की इस फिल्म को लेकर पिछले काफी वक्त में कई विवाद देखने को मिले हैं। इस फिल्म को पहले अपने टाइटल के लिए ट्रोल किया गया था, फिर इस फिल्म पर लव जिहाद को प्रमोट करने का आरोप लगा। अब इस फिल्म के मेकर्स को श्री राजपूत करनी सेना की तरफ से एक लीगल नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस में डिमांड की गई है कि इस फिल्म के टाइटल को बदला जाए। इस लीगल नोटिस के मुताबिक फिल्म का टाइटल लक्ष्मी बॉम्ब मां लक्ष्मी को लेकर काफी अपमानजनक है। इस नोटिस में यह भी कहा गया है कि लक्ष्मी का नाम बॉम्ब के साथ जोड़ने से हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हुई हैं। एडवोकेट राघवेंद्र मेहरोत्रा ने करनी सेना की तरफ से ये लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस में ये भी लिखा था कि हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करने के चलते मेकर्स को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी बॉम्ब जैसा नाम हिंदू धर्म के लोगों को गलत संदेश देता है। बता दें, करनी सेना से पहले हिंदू सेना भी अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब पर नाराजगी जाहिर कर चुकी है। हिंदू सेना ने कहा था कि अगर फिल्म का नाम नहीं बदला गया तो इस फिल्म का विरोध करेंगे। अक्षय कुमार की ये फिल्म साल 2011 में आई तमिल फिल्म कंचना का रीमेक है। इस फिल्म का टाइटल क्यों बदला गया, इस पर बात करते हुए डायरेक्टर राघव लॉरेंस ने कहा था, तमिल फिल्म का टाइटल फिल्म के लीड कैरेक्टर कंचना पर रखा गया था। कंचना का मतलब सोना होता है, जिसका सीधा कनेक्शन माँ लक्ष्मी से रहा है। हम पहले उसी नाम के साथ जाना चाहते थे, फिर हमें लगा कि कुछ ऐसा नाम होना चाहिए जिससे हिंदी पट्टी के दर्शक खुद को कनेक्ट कर सके। इसके आगे बॉम्ब इसलिए लगाया गया क्योंकि ये शब्द फिल्म के पावरफुल ट्रांसजेंडर कैरेक्टर से मेल खाता है। बताते चलें कि इस फिल्म में अक्षय ने पहली बार एक किन्नर का रोल निभाया है। लक्ष्मी बॉम्ब एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है और ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर दिवाली के मौके पर रिलीज होने जा रही है। वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।